मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में दो दिन पूर्व हुई हिंसक घटना की आग अब राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। मामले में घटना की जानकारी जुटाने और इसकी जांच करने मुख्यालय भोपाल से एडीजी अनिल कुमार को जांच अधिकारी बनाकर आज मऊगंज भेजा गया है। उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर न सिर्फ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया बल्कि आसपास के इलाके का भी मुआयना कर घटना की जानकारी जुटाई है। भोपाल से मऊगंज पहुंचे एडीजी अनिल कुमार के साथ रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद, रीवा जोन आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार सहित मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और एसपी रसना ठाकुर भी मौजूद रहीं। बता दें कि दो दिन पूर्व मऊगंज के ग्राम देवरा स्थित प्रसिद्ध महादेवन मंदिर परिसर में कथित अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर हिंसक घटना हुई। उक्त विवाद में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और उनके बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिस दौरान एक पक्ष का नेतृत्व स्थानीय मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल कर रहे थे और उनके द्वारा स्वयं बुलडोजर बुलाकर अतिक्रमण को गिराने की कोशिश की गई। फिलहाल विधायक दो दिन से पुलिस की गिरफ्त में है जबकि 30 अन्य लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इलाके में प्रभावी रूप से धारा 163 लागू की गई है। इधर मऊगंज जिले में हुई इस घटना की आग राजधानी भोपाल पहुंच गई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसे संज्ञान में लिया है। फिलहाल इस पूरी घटना की जांच के लिए मुख्यालय भोपाल से एडीजी अनिल कुमार को जांच अधिकारी बनाकर आज मऊगंज भेजा गया है। एडीजी आज सुबह रीवा पहुंचे और मऊगंज के लिए रवाना होकर सीधा देवरा गांव पहुंचे जहां यह पूरी घटना हुई है। एडीजी के साथ रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद, रीवा जोन आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार सहित मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और एसपी रसना ठाकुर भी मौजूद रहे। जांच अधिकारी एडीजी ने घटनास्थल सहित आसपास के इलाके का निरीक्षण कर घटना की पूरी जानकारी जुटाई है और इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय सहित सीएम को सौंपी जाएगी। फिलहाल एडीजी अभी मऊगंज में ही मौजूद हैं और मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। निकल थोड़ा।